नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कुछ बेहतरीन आर्टिकल्स बिजनेस स्टैंडर्ड के और डीकोड करेंगे उन्हें बिल्कुल सिंपल भाषा में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल कह रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अर्न कर सकता है 10 से 15 बिलियन डॉलर्स एक नए एनर्जी बिजनेस से। ये कहना है बर्नस्टीन का। तो रिलायंस इंडस्ट्री 2030 तक अर्न कर सकता है 10 से 15 बिलियन डॉलर्स एक्स्ट्रा। ये रुपी के टर्म्स में अगर आप कन्वर्ट करें तो आपको क्या लगता है कितना होगा? 15 बिलियन, अगर आप खाली 15 बिलियन देखें तो ये हो सकता है 1,20,00,000 करोड़ के करीब। तो इतना 2030 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज अर्न कर सकता है नए एनर्जी बिजनेस से। लेकिन इसे करने होंगे कुछ एक्विजिशन, मतलब खरीदना होगा कुछ कंपनीज को या फिर उनके साथ पार्टनरशिप करना होगा, क्योंकि उनके पास लिमिटेड एक्सपर्टीज है इस टेक्नोलॉजी में। रिपोर्ट निकाली गई है सैनफोर्ड सी बर्नस्टीन के द्वारा ट्यूसडे को। उनका कहना है कि इनका एस्टिमेट है RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसे हम कहते हैं, ये कैप्चर कर सकता है 60%, 30% एंड 20% ऑफ सोलर बैटरी एंड हाइड्रोजन टारगेट मार्केट। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री एक सब्सटैंशियल या एक कंसिडरेबल शेयर ले लेगा हर एनर्जी के सेक्टर में। और यहाँ एनर्जी हम बात कर रहे हैं 60%, 30%, 20% सोलर बैटरी और हाइड्रोजन टारगेट मार्केट की। RIL प्लान कर रहा है इस वक्त कि उसे 100 गीगावाट चाहिए इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी 2030 तक, जिसका शेयर होगा 35% इंडिया के टारगेटेड कैपेसिटी ऑफ 280 गीगावाट को। तो इंडिया का जो टारगेट है एज अ कंट्री 280 गीगावाट है, उसमें से आप देखें 35% का टारगेट तो रिलायंस का अपना खुद का है, 100 गीगावाट वो खुद अकेले करना चाहता है। तो ये बहुत ही बड़ा एम है। रिलायंस एम कर रहा है कि फंड करे पूरी कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपने खुद के कैश फ्लो से, मतलब उधार नहीं लेना चाहता, जो अपने पास एग्जिस्टिंग पैसे हैं उसी से काम करना चाहता है। रिलायंस इंडस्ट्री एक कंग्लोमरेट है और इनका फ्री कैश फ्लो ये पॉजिटिव टर्न हो जाएगा 2024 में, और ये रीच करेगा 27 तक 1 ट्रिलियन रुपी। तो जो इन जो ये एनालिस्ट हैं एंड ये जिसने भी रिसर्च की है जिन्हें हम कहते हैं बर्नस्टीन, उनके अजम्पशंस के बेसिस पे ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि RIL अचीव करेगा 10 से 15 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू नए एनर्जी बिजनेस से। ये रिप्रेजेंट करेगा 40% मार्केट शेयर पूरे मार्केट का। एंड इंडिया में जो EV अडॉप्शन होना है और जिस तरीके की एनर्जी पॉलिसीज है हमारी गवर्नमेंट की, ये हर चीज़ हेल्प करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस टारगेट को अचीव करने में। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है अगर आप देखें इंडिया के लिए भी, और इंडिया में जो इन्वेस्टर्स हैं स्पेशली रिलायंस इंडस्ट्रीज फेवरेट स्टॉक रहा है कई सारे इन्वेस्टर्स का, चाहे वो रिटेल हो या म्यूचुअल फंड्स हो, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। जो रिलायंस के शेयर होल्डर्स हैं स्पेशली, मुझे लगता है वो काफ़ी खुश होंगे इस न्यूज़ को पढ़कर। जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स हैं स्पेशली और जो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए तो ये न्यूज़ कुछ खास मुझे नहीं लगता मायने रखती है। एंड सबसे बड़ा रिस्क भी जान लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा रिस्क यही है कि उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है अभी इस फील्ड में, तो ये एक्सपर्टीज़ उन्हें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करनी होगी, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ आप उनको पार्टनरशिप भी करना होगा। अगली खबर आई है US के इन्फ्लेशन डेटा के बारे में। ये आ गया है घटकर 4% मई में, और ये पिछले 2 साल के लो पर। तो US के जो कंज्यूमर प्राइजेस हैं, जो जैसे हम कहते हैं इंडिया में भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वैसे US में भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ही मेजर किया जाता है कि महंगाई बढ़ रही है या घट रही है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं इंक्रीज नहीं देखा गया। जो एनुअल इंक्रीज है इन्फ्लेशन में स्मॉलेस्ट रहा है 2 से ज़्यादा सालों में। एंड जो अंडरलाइंग प्राइस प्रेशर हैं ये स्ट्रांग रहे हैं, और जो व्यू है फेडरल रिजर्व का, सो जैसे यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वहाँ पे फेडरल रिजर्व है, वो ये है कि वो इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं करेंगे वेंसडे, और इसी तरीके से ये चलता रहेगा जो मॉनेटरी पॉलिसी जो पहले चल रहा था। इंडिया में भी अभी आप देखें पिछले 2 MPC मीटिंग से इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हुआ, एक अभी रिसेंटली हुआ था जहाँ चेंज नहीं हुआ, और एक इसके पहले। इंडियंस ऑल्दो जो एनलिस्ट हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे से ये चेंज होगा एंड ये कम होना शुरू होगा, बल्कि US में भी कई लोगों का मानना ऐसा होना चाहिए बट ऐसा हो नहीं रहा। और अगर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन का डेटा कुछ ज़्यादा ही ख़राब आ जाए और फेडरल रिजर्व सरप्राइज हो जाए, ऐसे ही एक सिचुएशन है जहाँ पर
जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसे बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो ऐसा कोई उन्हें सर्कमस्टेंस सीख नहीं रहा जितने भी एनालिस्ट हैं कि इंटरेस्ट रेट्स इस बार यूएस में बढ़ाए जाए। सीपीआई इंक्रीज हुआ 0.1% लास्ट मंथ, क्योंकि वहाँ पे आप जान सकते हैं क्रूड ऑयल के दाम भी घटे हैं और इसके अलावा फूड इन्फ्लेशन भी कम हुआ है और ये बहुत ही छोटा सा इंक्रीज रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरी दुनिया की नज़र होगी कि क्या होता है, क्योंकि यूके और ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा होगा कि इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ाए गए हैं, इंडिया में पॉज किया गया है और अब देखना है यूएस क्या करता है, क्योंकि पूरी दुनिया के जो बाज़ार हैं इस वक्त यूएस पे नज़र रखे हुए होंगे। अगर यूएस बढ़ा देता है तो ये अच्छी खबर नहीं होगी पूरी दुनिया के मार्केट्स में, ये एक्चुअली अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो ग्रोथ आगे भी हिंडर्ड रहेगा और कई सारे बैंक्स हैं उन पर काफ़ी प्रेशर है इस वक्त इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, तो वो और ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ भी दिखेगा और उनके बैंक्स को लेकर कई बुरी खबरें भी आ रही हैं, तो मार्केट में पैनिक भी आ सकता है। सो हमें देखना है, बहुत ही क्लोजली वॉच करना है कि यूएस यहाँ पर क्या स्टेप लेता है, और यूएस ही मैं कहूँगा फेडरल रिजर्व यहाँ पर क्या स्टेप लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।